हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुबह उठकर नमाज अदा की और हमने उनके लिए चाय बनाई। लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम, भाई आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। अब्बू एक दिन और रुक जाइए ना। हाँ अब्बू, अम्मी और हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। आओ मेरे पास आओ, आओ। जाने का मन तो हमारा भी नहीं है, लेकिन दुबई का कारोबार है ना, वो भी तो संभालना है ना? और फिर पता नहीं वो कहां चले गए। आपके शौहर का नाम जुनैद अजीज है जी। हम फरजाना और ये हमारे दोनों बेटे हैं, अशफाक और हाशिम। उनका सेल फोन आप लोगों को उनके कमरे में मिला जी। हम रेस्टोरेंट जाने से पहले अब्बू के कमरे में गए थे उनसे ये पूछने के लिए कि वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं। अब्बू, 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 अम्मी, अम्मी, अब्बू कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। नहीं हमने देखा वहां तो नहीं है। तो फिर बाहर टहलने गए होंगे। ठीक है हम फोन करके देखते हैं। हाँ हमें लगा अब्बू अपना फोन घर भूलकर टहलने चले गए इसलिए हम रेस्टोरेंट निकल गए, लेकिन फिर दोपहर को हमें अम्मी का फोन आया। इन्होंने हमसे कहा कि अब्बू घर लौटे ही नहीं है। हमने उनके दोस्तों को भी फोन किया। नहीं जुनैद तो यहाँ नहीं आए। क्यों क्या हुआ? आशफाक बेटे बोलो। नहीं जुनैद भाई यहाँ रेस्टोरेंट में तो नहीं आए। नहीं जुनैद भाई तो यहाँ नहीं आए। क्यों क्या बात है आशफाक? हमने अब्बू के सारे दोस्तों को फोन किया, रेस्टोरेंट्स में भी पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। फिर हमने इस्माइल मामू को कॉल किया। नहीं अशफाक, जुनैद भाई यहाँ तो नहीं है। तूने बाकी सारे होटल में चेक किया? कहीं वापस दुबई तो नहीं चले गए? ये सारे रेस्टोरेंट्स आपके अब्बू जुनैद अजीज के ही हैं? जी, इनमें से दो पार्टनरशिप में हैं, और अब्बू के सबसे पुराने वाले रेस्टोरेंट को इस्माइल मामू चलाते हैं। आपके भाई इस्माइल ने ये क्यों पूछा कि कहीं जुनैद अजीज दुबई तो नहीं चले गए? जी वो हमारे शौहर कल दुबई जाने वाले थे, तो इस्माइल भाईजान को शायद ये लगा होगा कि वो एक दिन पहले ही दुबई चले गए। दुबई वो किसी काम के सिलसिले में जाने वाले थे? दरअसल उनका वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे वो खुद संभालते हैं। तो आप लोगों ने दुबई फोन करके पूछा कि वो वहाँ गए हैं या नहीं? दुबई में वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ? ۲۰۱۳ की एक सुबह जुनैद अजीज अपने घर से लापता हो गए। उनकी पत्नी फरजाना और बेटे अशफाक और हाशिम को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो कहां गए। उन्होंने पुलिस को यह तो बताया कि अगले दिन जुनैद दुबई जाने वाले थे, लेकिन दुबई से जुड़े कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनका जवाब देने से जुनैद की बीवी फरजाना कतरा रही थी। हेलो, अशफाक बोल रहे हैं। बोलो। अब्बू वहाँ है क्या? नहीं तो, अजीज साहब तो कल आने वाले हैं। क्यों क्या हुआ?
जी हमने दुबई भी कॉल किया था। दुबई किसको फोन किया था? सुमैया को, वो इनकी दूसरी बीवी है। जुनैद अजीज अपना फोन घर पर ही छोड़ के गए हैं। मैंने उन सारी जगहों पर पता किया जहां वो अक्सर जाया करते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो इनमें से किसी भी जगह पर गए होंगे। कोई बंदा अपना फोन घर पर छोड़ के कहां जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए ताकि उनके घर वाले उन्हें ढूंढ ही ना पाए? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी दूसरी पत्नी सुमैया की वजह से कोई अनबन हुई हो और उनके घर वाले हमें पूरा सच ना बता रहे हो। देखते हैं, उनके लिए बेहतर तो यही होगा कि वो खुद ब खुद सारा सच बता दें, वरना हमें अपने तरीके से सच उगलवाना पड़ेगा। अजीज साहब का कुछ पता चला? नहीं, उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुबई में है और आप नाटक कर रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी फरजाना, जितनी आप परेशान हैं मैं भी उतनी ही परेशान हूँ। कहाँ जा सकते हैं ये? वो कभी भी किसी को भी छोड़कर जा सकते हैं, जैसे 15 साल पहले हमें छोड़कर वो आपके पास चले गए थे। आपने छीन लिया था उन्हें हमसे, अब क्यों नाटक कर रही है आप? इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बुरा ख्वाब था। कोई बात नहीं, चल सो जा। जुनैद का छोटा बेटा हाशिम परेशान था, बड़ा बेटा अशफाक हताश था और जुनैद की पहली बीवी फरजाना बहुत गुस्से में थी लेकिन बहुत दुखी भी थी। और वही हाल जुनैद की दूसरी बीवी सुमैया का था। लेकिन जुनैद कहाँ था, वो किस हाल में था? फरजाना जी सच सच बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर जुनैद अजीज अपनी मर्जी से कहीं चले गए? आप दोनों के बीच में कोई बात हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया और चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए जो कुछ भी हुआ था वो हमने सब कुछ आपको बता दिया है और वो हमारे शौहर हैं। हम यहाँ आप लोगों की मदद मांगने के लिए आए हैं और हमारी मदद करने के बजाय आप हमसे ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे। देखिए हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम हर एंगल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आपने खुद ही हमसे कहा था कि वो 15 साल पहले आपको छोड़कर कहीं चले गए थे। उन्होंने 15 साल पहले लखनऊ छोड़ा था ताकि वो दुबई जाकर अपना कारोबार शुरू कर सके। उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। अब फरजाना जी चाहे ऐसे छोड़ा या वैसे छोड़ा, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने आपको छोड़ा था। और वैसे भी वो लखनऊ से दुबई अपना कारोबार शुरू करने गए थे, लेकिन उन्होंने तो कारोबार के साथ साथ अपनी दूसरी जिंदगी भी शुरू कर ली वहां पे सुमैया के साथ निकाह करके, और वहीं बस गए। देखिए उन्होंने दूसरा निकाह जरूर किया था लेकिन ये बात उन्होंने हमसे छुपाई भी नहीं थी। अबू, अबू,
अरे मेरे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे बच्चों? वेरी गुड, हमने आपको बहुत मिस किया। और हमने भी आप सबको बहुत बहुत मिस किया। अच्छा, आप मेरे लिए वीडियो गेम्स लाए और मेरे लिए लाया नहीं? अरे यार, ऐसा हो सकता है कि तुम अपने अब्बू से कोई फरमाइश करो और पूरी ना हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दीजिए। जी लीजिए। हर बार जब वो दुबई से आते तो सबके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते, लेकिन इस बार वो कुछ कुछ और भी लेकर आए थे। लीजिए, चाय पीजिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, आइए बैठिए। आप बैठिए बैठिए। कैसा लगा आपको ये सब? बहुत ही बढ़िया। ये स्पाइडरमैन मेरा। हाँ, ये कार देख। वाओ वाओ, देख कितनी बड़ी कार है ये। हाँ, ये फॉर्मूला वन। देख बाइक, मैं तो अभी इससे खेलूंगा। मैं भी। ये मस्त है ना ये? पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, इतने सारे तोहफे? हम जब भी आप सबको खुश देखते हैं, हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बस थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपने लिए दिल का सुकून खरीद लेते हैं। हमारी खुशी तो आपसे है। जब आप घर आ जाते हैं तो घर में रौनक आ जाती है। हम जानते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, दुबई का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इस्माइल भाई जान भी यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। जी अच्छा फरजाना, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम भी आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। 6 महीने बाद लौटे आप, आपको पता? हम दूसरा निकाह कर रहे हैं। कौन कौन है वो? सुमैया, सुमैया नाम है उसका। क्या आपकी बीवी मान जाएगी? हाँ भाई, हम उन्हें मना लेंगे, आप हमारा यकीन मानिए। जब तक आपकी बीवी नहीं मानती, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। हमारे बारे में ना सही, लेकिन अशफाक और हाशिम के बारे में तो सोचिए। फरजाना, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। हम सुमैया से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं फरजाना, ऐसी बात नहीं है। हमारी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, इस निकाह के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हम सुमैया से निकाह करना चाहते हैं और ये निकाह जरूर होगा। मैं मानती हूँ जुनैद, लेकिन फरजाना को यही लगेगा ना कि आपने उन्हें धोखा दिया। हाँ हम जानते हैं, लेकिन सुमैया, फरजाना से हमारा निकाह एक समझौता था। उन दिनों हमारी अम्मी जान बहुत बीमार थी, वो चाहती थी कि उनके इंतकाल से पहले हमारा निकाह हो जाए। बस उन्हीं के लिए हमने फरजाना से निकाह किया था। लेकिन हमारी बात का यकीन मानो, अब हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, शादी का। फरजाना, हमारी बात का यकीन मानो, इस निकाह के बाद कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। हम आज भी अशफाक और हाशिम के अब्बू हैं और हमेशा रहेंगे। जितना प्यार उन्हें हम आज करते हैं, उतना हमेशा करते रहेंगे। और हकीकत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे बच्चों से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। जुनैद मियां, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं इस्माइल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम फरजाना को छोड़ नहीं रहे हैं और कभी छोड़ भी नहीं सकते। हम तो बस सुमैया से दूसरा निकाह कर रहे हैं। मियाँ ऐसा मत करो, फरजाना भाभी जान सारी उम्र हमें कोसेंगे। वो हम थे जो तुम्हें दुबई लेकर गए थे। हंसता खेलता घर है तुम्हारा, क्यों अपने हाथों से आग लगाना चाहते हो? मैंने कहा ना, ये दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगे। लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। सच? वो हमें छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने दूसरा निकाह भले किया हो,
लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। तो फरजाना जी, हो सकता है इस बार उनकी जिंदगी में कोई तीसरी औरत आ भी, इसलिए वो घर से कहीं चले गए। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सुमैया से निकाह किया तब उनकी सिर्फ एक बीवी थी और वो थी आप। उन्हें सिर्फ आपको मनाना था, लेकिन इस बार उन्हें आपके साथ साथ सुमैया को भी जवाब देना था। इसलिए हो सकता है वो इस सारे पचड़े से बचने के लिए चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. Hello, Farzana. Sumaya ji. मैं धुरीबा पुलिस स्टेशन लखनऊ से PSI आलोक सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जुनेद अजीज के केस के सिलसिले में आपको लखनऊ आना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सुमैया, ही वही कह रहा हूँ जो पहले एक बार हो चुका है। पिछली बार उन्हें आपसे प्यार हुआ और उन्होंने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को छोड़कर आपसे निकाह कर लिया। क्वाइट पॉसिबल कि इस बार उन्हें किसी और से प्यार हो गया हो और वो अपनी दोनों बीवियों को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों और हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं। सर, वो दुबई मेरे पास आने वाले थे और उनके गुमशुदा होने के 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। सुमैया, परसों हम यहाँ से निकल रहे हैं दुबई के लिए। सुबह 8:40 की फ्लाइट है। लेकिन आप जल्दी आइए ना, आपको पता है ना मैं आपको कितना मिस करती हूँ। 1 महीना हो गया है जुनैद। हम जानते हैं और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, परसों हम आपके पास पहुँच रहे हैं ना। आने के बाद सारा का सारा वक्त हम आपके साथ बिताएंगे, काम हम सब बाद में। सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अजीज साहब तो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सुमैया जी, अजीज साहब तो अपने बच्चों से उस वक्त भी उतना ही प्यार करते थे जिस वक्त उन्होंने आपसे शादी की। तो मुमकिन है इस बार उनकी जिंदगी में कोई तीसरी औरत आ गई हो। नहीं, मैं नहीं मानती, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? हमने सब जगह पता कर लिया। दुबई में उनके रेस्टोरेंट में भी किसी को कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। अभी तक उन्होंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। इतना बड़ा बिजनेस है उनका, यहाँ लखनऊ में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनके, दुबई में उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ये सब छोड़कर वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? ये रहे अब्बू के फ्लाइट टिकट्स। सर, मैंने जुनैद अजीज के सारे फोन रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, उनके पास बस यही एक नंबर था। जी, कोई और नंबर तो नहीं था? वो जब भी इंडिया आते यही नंबर यूज करते। अगर कोई और नंबर होता तो हमें जरूर पता चलता। नहीं सर, जब भी वो लखनऊ आते थे मुझे इसी नंबर से फोन करते थे, उनका कोई और नंबर नहीं है। सर, मैंने सारे एयरलाइंस में पता कर लिया है, जुनैद अजीज के नाम से कोई बुकिंग नहीं थी और लखनऊ से निकलने वाली किसी भी ट्रेन में इस नाम का कोई रिजर्वेशन नहीं था। इतना एस्टैब्लिश आदमी ये सब करेगा क्या, वो भी 51 साल की उम्र में? कहीं कुछ और बात तो नहीं है? क्या ये केस महज एक आदमी के घर छोड़ के जाने का केस है या फिर इस केस के अंदर एक दूसरा केस छुपा हुआ? उस आदमी का सिर्फ लखनऊ में नहीं दुबई में भी अच्छा खासा बिजनेस था। अगर उसके रेस्टोरेंट्स की वैल्यू निकाली जाए तो ये आदमी करोड़ों का मालिक है। अब्बास, वो अब्बास एक हाशिम, ज्यादा सोच मत, चल सो जा, सो जा।
लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेगम। भाई आपके हाथ की अदरक वाली चाय पी के तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। कुछ दिन बीत गए लेकिन जुनैद अजीज का कुछ पता नहीं चला। वो अपने पीछे अपनी पहली बीवी फरजाना, दो बेटे अशफाक और हाशिम और अपनी दूसरी बीवी सुमैया को छोड़ गए थे। सब लोग उनके जाने से दुखी थे और हर पल उनके लौटने की दुआ मांग रहे थे। लेकिन क्या जुनैद अजीज कभी वापस आ पाए? विधुर गुप्ता जुनैद अजीज का खास दोस्त जिसके साथ उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था। जी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम उनके रेस्टोरेंट को चलाते हैं और जो भी मुनाफा होता है वो हम आपस में बांट लेते हैं। जुनैद भाई हर 6 महीने में लखनऊ आते हैं और तब हमारी मुलाकात जरूर होती है। राजेश खत्री जुनैद अजीज का दोस्त और एक दूसरे रेस्टोरेंट में उसका पार्टनर। सर मैं तो जुनैद भाई के रेस्टोरेंट का एक कस्टमर था जो अब उनके साले साहब इस्माइल चलाते हैं। वहीं उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं काम ढूंढ रहा था और वो काम बढ़ाने के मूड में थे तो हम दोनों ने मिलकर ये रेस्टोरेंट खोल लिया जिसका जो भी मुनाफा होता था उसका 55% मैं रख लेता था क्योंकि मैं सारा काम देखता था और 45% जुनैद भाई को जाता था। लेकिन रेस्टोरेंट में सारा पैसा तो जुनैद अजीज का लगा था। हाँ लेकिन हमारे बीच सब कुछ 5 साल पहले ही तय हो गया था जब जुनैद भाई ने रेस्टोरेंट खोला था। हमने उनका बैंक अकाउंट चेक किया, 2 महीने पहले उन्होंने आपको 25 लाख रुपए दिए थे। हाँ वो मेरी कपड़े की दुकान में मुझे काफ़ी नुकसान हो गया था तो मैंने जुनैद भाई से 25 लाख रुपया लिया था ये कह के कि मैं उनका रुपया 8-10 महीने में लौटा दूंगा। वो रुपया मैंने उनसे कर्ज में लिया था। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जी हम उनके साले हैं और पिछले 27 साल से इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी हम संभाल रहे हैं। हमारी बहन फरजाना के साथ जब जुनैद मियाँ का निकाह हुआ तो इस रेस्टोरेंट को जुनैद मियाँ के मरहूम अब्बू चलाते थे। उनके गुजरने के बाद जुनैद मियाँ ने संभालना शुरू किया और फिर जैसे ही कारोबार बढ़ता गया तो इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी जुनैद मियाँ ने हमें सौंप दी। आपके बहनोई ने आपकी बहन के होते हुए भी सुमैया से दूसरी शादी कर ली, आपको बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगा सर, लेकिन सच क्या है, जुनैद मियाँ एक बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने दूसरा निकाह तो कर लिया पर मेरी बहन से और अपने बेटों से कभी नजरें नहीं फेरी। जी हम बचपन के दोस्त थे। जुनैद के अब्बा और हमारे अब्बू जान भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आप थे जो जुनैद अजीज को दुबई लेकर गए थे? जी हम दुबई में काम करते थे। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए दुबई बहुत अच्छी जगह है और यही बात हमने जुनैद को बताई थी। जुनैद अपना कारोबार बढ़ाना चाहता था इसीलिए वो भी दुबई चला गया। और दुबई जाने के बाद जुनैद अजीज की मुलाकात सुमैया के साथ हुई। सर आप घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? जुनैद के साथ कुछ बुरा हुआ है? कहाँ है वो सर? ये तो आप हमें बताइए कि वो कहाँ है। अभी आप ही ने कहा कि आप दोनों बचपन के यार हैं तो जाहिर है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जुनैद अजीज इस वक्त कहाँ है। और आपको ये क्यों लगा कि जुनैद अजीज के साथ कुछ बुरा हो सकता है? पुलिस स्टेशन, PSI आलोक सिंह बोल रहा हूँ। करीब 20 दिन पहले आपके पुलिस स्टेशन से जुनैद अजीज नाम के आदमी की फोटो हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी। जी हाँ हमें इसकी डेड बॉडी मिली। दो दिन पहले कानपुर के एक सुनसान इलाके से एक आदमी ने पुलिस को फोन करके ये बताया कि एक बोरी के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है।
डॉक्टर का कहना है कि इसकी मौत दम घुटने से हुई, शायद गला दबाकर मारा गया, और ये लाश 3 हफ्ते पुरानी है। एक बात तो तय है, ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गए, कोई तो है जिसे इनके जिंदा रहने से परेशानी थी। अब ये चले गए हैं तो इसमें किसी ना किसी का तो फायदा जरूर हुआ हो। क्या हुआ, क्या कहा पुलिस ने? आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या कहा पुलिस ने? गुमशुदगी की शिकायत बदलकर अब एक मर्डर का केस बन चुकी थी। जुनैद अजीज अपना सब कुछ ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं, यह सवाल बदलकर अब एक नया सवाल बन गया था कि जुनैद अजीज को इस तरह से क्यों मारा गया, किसने उनकी जान ली। एक तरफ जहां प्यार की दुआओं से नफरत की बू आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जहन में एक और बात भी आई कि कहीं जुनैद अजीज की जिंदगी में इन दो औरतों के अलावा कोई और भी तो नहीं थी। जहां एक तरफ यह सोचा जा रहा था, वहीं इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है ये कोई कारोबारी दुश्मनी हो, इस कत्ल में कोई ऐसा शामिल हो जिसे जुनैद अजीज की मौत से बिजनेस में काफी मुनाफा हो सकता। जहां पुलिस के सामने इतनी सारी गुत्थियां थी, वहीं एक सवाल भी था कि क्या वो जुनैद के खूनी को पकड़ पाएगी, या फिर जुनैद अजीज की ये मर्डर मिस्ट्री सिर्फ मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी। कोई भी गुनाह कानून की नजरों से छुप नहीं सकता। कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।